भावाल औद्योगिक क्षेत्र के टोल ब्रोस कंपनी में जिस तरह से एक कर्मचारी नेता का शव फंदे से लटका हुआ मिला, कर्मचारियों में दहशत का माहौल है। वहीं क्षेत्र में जितनी भी कंपनियां उसमें एक डर का माहौल बना हुआ है। आखिर किस तरह से एक कंपनी कर्मचारी ऑडिट के दौरान फंदे पर लटक सकता है, ऐसे में सवाल भी आने के। आखिर जिस तरह से कंपनी कर्मचारी अपने घर से ठीक ठाक गया था लेकिन कंपनी में जाने के बाद फंदे पर लटका हुआ मिला, अनेक सवाल में। वहीं परिवार का भी बुरा हाल है। आखिर किस तरह से एक व्यक्ति जो घर से ठीक ठाक गया हो कंपनी में जाकर मौत को गले लगा सकता है, ऐसे में कंपनी पर अनेक सवाल खड़े हो रहे हैं। कंपनी प्रबंधन को इसको लेकर जवाब भी देने होंगे। अब हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को फंदे से उतारने के बाद जांच शुरू कर दी है, वहीं कंपनी प्रबंधन भी शंका के घेरे में है। ऐसे में पुलिस भी के पास सवालों की फहरिस्त भी है कि आखिर कंपनी में जो कर्मचारी नेता था उसकी हत्या कैसे हुई। अब आपको बताते हैं कि कौन है यह कंपनी कर्मचारी और कब से कर रहा था काम। जानकारी के अनुसार 37 वर्षीय विक्रम महेंद्रगढ़ जिले के गाँव भवानिया का रहने वाला है। करीब 12 साल से वह रेवाड़ी में रहकर बावल में जॉब कर रहा था, लेकिन जिस तरह से रविवार को वह ठीक ठाक जॉब के लिए निकला था लेकिन सोमवार के सुबह उसका शव फंदे पर लटका हुआ मिला। बताया जा रहा है कि विक्रम के पिता गुजरात पुलिस से रिटायर्ड है, वहीं छोटा भाई सेना में लेफ्टिनेंट है। विक्रम का एक छोटा बेटा भी है। ऐसे में किस तरह से किस परिस्थितियों में विक्रम की हत्या हुई या फिर उसने मौत को गले लगाया, यह जांच का विषय है। मैंने नंबर लिया, वो कंपनी के किसी साथी का नंबर दिया, उस साथी से मैंने बात करी, तब उसने मेरे को बताया कि वो लटक रहा है। हादसा किस कारण से हुआ है इसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है? कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको शक हो किसी कंपनी पे, किसी व्यक्ति पर? सर शक की बात तो ये है कि मैंने तो आज तक कंपनी का गेट भी नहीं देखा है। कंपनी के कर्मचारी मिलते थे इसके साथ ही, बाकायदा कई बार मेरे से पैसे भी ले गए। आगे की क्या रणनीति रही सर आपकी? आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद से रिटायर। सर ये हादसा हो गया किस कारण से हुआ, कुछ इस बारे में जानकारी? वैसे भगवान जाने, इसके साथी मिलते थे, साथियों ने प्लाट ले रखा है मेरे से, वैसे भी मिलते थे आने जाने में। इसके साथी सोनीपत साइड के थे, मेरे कमरे पे भी गए हुए हैं, अच्छा व्यवहार था। जहाँ प्रेशर की बातचीत आती है, कंपनी से पहले यूनियन पद पर रहा था ही, बड़े पद पर, अगर कंपनी कुछ नाराज है तो हमारी नोटिस में बात मेरी में नहीं आई।